Sumer, I want to ask you, like, for all the people who want to like start their YouTube channel, maybe in the field of education or maybe in other field. So can you tell me, like, when you started, what kind of equipments like camera, mic, lights, and what kind of things that you used earlier and what you are using now? Okay, so I hope you know the story what I used to, but let me tell you to everyone. Actually, when I started to create videos, I was not having the phone only. मेरे पास फोन था ही नहीं और मेरे को वीडियोस बनाने आई लाइक क्रेजी आई वांट टू क्रिएट वीडियोस मैन एट दिस मोमेंट तो मंचा वाज अ पर्सन मंचा मतलब अपन पता है अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं अपने नए दोस्त बनते हैं तो एक किराने की शॉप थी मंचा की उनको मैंने बताया कि मंचा देखो ऐसा ऐसा है और मैं वहां पे चिल करता था अपना टाइम पर्सनल टाइम जब वहां पे चिल करता था कि मंचा फोन रहता ना तो मैं वीडियो बना लेता था मेरे को ऐसा कुछ करना है तो मंचा कहे कि मेरा फोन लेके चला जा So Mansa gave his phone to me. My sister, मेरे पास कोई stand नहीं था कुछ नहीं था मेरी बहन ने फोन पकड़ा और मैं मेरे पास ब्लैक मतलब जो बोर्ड होता है जहाँ पे पढ़ाते वो नहीं था मैंने पाटिया लिया लकड़ी का उसके ऊपर व्हाइट चार्ट पेपर डाला उसके ऊपर प्लास्टिक डाला और इट बिकेम अ व्हाइट बोर्ड मैंने एक मार्कर लाया 25 रुपए का और आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट सो यू कैन सी एंड आई क्रिएटेड 150 वीडियोस विद दैट टूल्स हाउ मच 150 videos with that tool, लोग 20 में give up कर देते हैं वो भी DSLR के साथ So the thing is, यहाँ पे भी अगर एक चीज सीखने मिलेगी don't wait for all the lights to be green. बहुत सारे लोग रुक जाते हैं content creation के लिए कि when I get a DSLR, when my whole script will be ready, when I will fully professional, at that moment I will create a video. And let me give you tell you one thing, किसी भी legend का initial सामान उठा के देख लो, initial काम उठा के देख लो, it will be shit. आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बट इनिशियल किसी का भी लेजेंड का काम उठा के देख लो इट विल बी शिट और अगर लेजेंड का काम शुरुआत में शिट है तो अपना कैसे अच्छा हो सकता है और शिट क्रिएट करने में क्या सोचना जस्ट ओपन जस्ट टेक योर फोन हे व्हाट्स अप माय नेम इज सुमेर सिंह राजपुरोहित जस्ट डू लाइक दैट मैन क्रिएट योर कंटेंट सो दैट वॉज द टूल आई वॉज यूजिंग फिर मेरे को एक फोन मिला जो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ रेडमी नोट 4 जो यूट्यूब के पैसे से आ रहा था मैंने एक भी रुपया घर से नहीं लिया कहीं से भी नहीं लिया रेडमी नोट 4 फिर मैंने एक इंजीनियरिंग करके एक स्टैंड बनाया अपन शूटर अपन कुछ भी कर सकते हैं तो मैंने एक स्टैंड बनाया अपन लकड़ा विकड़ा से और फिर मैंने क्योंकि यार हाथ दुखता है यार 30-30 मिनट तक मेरी बहन कब तक फोन को पकड़ के रखेगी तो फिर मेरी बहन ने ही वो स्टैंड बनाया वो उस चीज में बहुत अच्छी है जुगाड़ का काम करने में और फिर नाउ व्हाट आई हैव सो दैट वाज द मोमेंट मैं रुका नहीं उस मोमेंट में रुकता तो अभी जो मेरे पास चीजें हैं अभी हमारे पास DSLR है 200D गुड एक बोर्ड है 6 feet और 4 feet का बहुत अच्छा स्टैंड है जो एक होना चाहिए हम बोयो का माइक यूज करते हैं मेरे पास मैक है एडिटिंग के लिए और जो गेमिंग पीसी होता है वो हमारी एडिटिंग के लिए मैंने पीसी बनाया है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है तो वो सब चीजें मैं इस मोमेंट पे यूज करता हूँ I guess it will be a very good lesson to all the participants who thinks that like I need to first get DSLR only then I can get started. I guess content exactly. is the main thing. Exactly. What value you want to give to the people? For example, अगर आप मेरे को क्वेश्चन पूछते हो, and I created a whole मेरे को कैसा पता मेरे को जो भी आता है ना मैं उसको डाल देता हूँ इंटरनेट पे. I've created another YouTube channel, social किताब करके है जहाँ पे मैंने पूरी 5 videos की series बनाई है how to become a YouTuber. So you can go and check out, it's free. But one thing what I want to tell you, if you want to be a YouTuber, if you want to become a YouTuber, so how, what first thing you must know that जो लोग हैं ना यार, वो मतलबी इंसान हम भी आप भी सब भी वो YouTube पे इसलिए नहीं आए कि आप उनको बहुत hey, I have this camera. नहीं अगर आप उनको दिखा रहे हो I'm a such a good dancer, I'm a such a nice rapper, not at all. वो इंसान आप जस्ट यूजर यूजर पर्सोना समझो ना यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो मैं 8:30 को थक के आया हूँ मेरी बॉस ने सुबह से मेरी वाट लगाई हुई है मेरे को सब क्रिटिसाइज किया है दिस मोमेंट आई वांट समथिंग जो मेरे को वैल्यू दे मेरे को वैल्यू दे मेरी लाइफ इंप्रूव करे सामने वाले को देख के क्या मैं डिसअपॉइंट हूँ अरे वो तो अपनी अच्छी जिंदगी दे रहा है मेरी लाइफ खराब है नहीं ये तो गंदा हो जाएगा ना तो आप अपना कंटेंट ऐसा क्रिएट करो जिससे सामने वाले को वैल्यू मिले लोग बीबी के वाइंस वीडियो क्यों देखते हैं ताकि मैं खुद खुश हो जाऊं मेरे को 2 मोमेंट की हंसी फील हो समझ रहे हो क्या वो टेक्निकल गुरुजी के वीडियो क्यों देखते हैं ताकि मैं कुछ टेक्निकली सीख लूं अपनी लाइफ में मेरे को कुछ सीखने मिले जब कोई कुछ बोले
कि अरे ये पता है, अरे आई नो रास्पबेरी पाई, मैं मेरे को पता है क्योंकि मैंने टेक्निकल गुरु जी के वीडियो देखे थे, मेरे को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। अगर कोई बोलेगा कि ये समझ रहे हो क्या, तो लोग हनी सिंह के गाने ज्यादा क्यों याद करते थे पता है क्या? दूसरे रैपर्स को इतना लोग फेमस नहीं हुआ, हनी सिंह को क्यों हुआ पता है? क्यों? क्योंकि उसके गाने में रैप की चार लाइन थी, और लोग जो कॉमन पीपल है उस चार लाइन को याद करके खुद को एज अ रैपर फील करते थे। वो लोग सोचते थे कि आई एम अ रैपर, वो लोग बोलते थे ब्लू वाइस, वो गाना गा पाते थे क्योंकि वो चार लाइन थी और वो लोग खुद को एज अ रैपर फील करते थे। उनको फील होता था यूजर को कि आई एम अ रैपर आफ्टर रीडिंग दोस फोर लाइंस, तो वो बहुत वैल्यू यूजर्स को दे रहा है। तो आपका क्या काम है, मैं सामने वाले को क्या वैल्यू दे सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती है, पर मैं सिर्फ बीट बॉक्सिंग करके हट जाऊंगा, देयर आर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल क्रिएटिंग दैट, बट आई नो टू टीच बीट बॉक्सिंग। मैं तुझे बीट बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ ब्रो, मैं तुझे बीट बॉक्सिंग सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि करते कैसे, ताकि वो बंदा सीख के अपने स्कूल में एक थोड़ी सी इज्जत पा सके। जब वो करेगा तो फोर पीपल विल से हाँ यार ही नो समथिंग, ही हैज अ यूनिक स्किल। तो वो क्या है, मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, ही विल कम अगेन, क्या यार मेरे को चार लोगों ने मेरी तारीफ की, मेरे को मजा आ रहा है, मैं अपनी एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स। अगर आपको पता है हाउ टू डू अ पोएट्री, हाउ टू डू अ रैप सॉन्ग, देन आई कैन राइट माय स्टोरी ना मैन, आई कैन टेल द पीपल दैट ना मैं लंबा चौड़ा ना किसी रेस का घोड़ा दा 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 दा, आई कैन टेल द पीपल दैट मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्योंकि मैंने तुमको सिखा दिया तुमको कैसे करना है। सो ऑलवेज अगर आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, थिंक अबाउट द यूजर, व्हाट वैल्यू आई कैन गिव टू देम। मैंने उनको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से मैंने उनको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इजी कर दिए थे वो दिया था, मैं उनको नोट्स की वैल्यू दे रहा था, मैं उनकी लाइफ ईजी कर रहा था। मैं उनको ये नहीं बता रहा था कि मेरे को ये सब आता है, मेरे को बता था कि ईजी है यार, तुम लोग भी कर सकते हो, इट्स रियली ईजी। सो द मेन थिंग इज दैट आपको अपनी जो कम्युनिटी है जो आपको देख रहे हैं उनको वैल्यू देनी है। और आपको पता है मैंने बीट बॉक्सिंग, लोगों को लगता है सिर्फ लास्ट मोमेंट ट्यूशन है जहाँ पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, मैं बीट बॉक्सिंग, मेरे को इतनी बीट बॉक्सिंग नहीं आती, मेरे को बहुत बेसिक्स आती है। मोर देन 10 लाख पीपल है वॉच माई वीडियोज, मोर देन 10 or 20 लाख पीपल है वॉच माई वीडियोज ऑफ बीट बॉक्सिंग ट्यूटोरियल, एंड नाउ दैट चैनल जिसका नाम मचाऊ है, हैव क्रॉस अराउंड 67,000 सब्सक्राइबर्स। 67,000 subscribers is a huge amount, and in 2-3 months we will cross. I'm pretty sure about it. 1 lakh subscribers. What? Because what I learned from last moment tuition is I know how to give value to the people. So, अगर आपको अपने लोगों को value देना आता है, and that's what I create on social kitab. Social kitab is a YouTube channel where what I'm doing, I'm telling how to grow on Instagram, how to grow on YouTube. Because that's the future. अगर आप content create नहीं कर रहे, ये moment है सबसे ज़्यादा important क्या पता है? लोगों का attention. If you have people who are watching your videos, you can sell them the things you are using. तो ये moment पे in future भी अभी कोई दुकानों में नहीं जा रहा, अब लोग internet पे पूरे banners कोई काम के नहीं है। आपका ये सबसे बड़ा marketing strategy है। आप content create नहीं कर रहे हो, तो you are going in a loss, man. Just create as much content as you can, and don't wait for the things I will get a DSLR or blah 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 blah. So that's what I did in Social Kitab, my new YouTube channel. You can check out; it's free. All the videos are free. How to become a YouTuber, and the second series is how to grow on Instagram organically. And what are the? This is a small part of it. How to become a YouTuber. मैं मैंने जो बताया है कि value देना है. मैंने बहुत सारी चीजें discuss की है कि YouTube से पैसे आते कैसे, what the procedure. मैंने वहाँ पे और भी चीजें discuss की है कि why you must create your videos in Hindi, how to increase your subscribers. Because what I learn, I just want to give value to the people. That's what I want to do. That's the main thing I can do for the people. I hope the answer was helpful to you. Yeah, so Sumer, I want to ask you a very important question. Like in last moment tuition, whatever you teach, like those things, like students already go to college and they are supposed to learn those things in the college. But there is something wrong in the whole cycle that they come and look in YouTube and they search for you. So what do you think is wrong in the whole process actually? Because they are paying lakhs and lakhs in the colleges. But still if they have to come and to watch to you, then who is like failing in the whole process? Exactly. The thing is, I'm not talking about the 100% type of college. 70% college don't run colleges to teach. They run colleges to make money. Their main purpose is how can I make more amount of money. They don't spend as much as money on appointing good tutors.
they are not doing that. वो लोग पैसे नहीं दे रहे. वो लोगों को कैसा है कि मैं मेरी बिल्डिंग बड़ी करूं, मैं यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करूं, 75% अटेंडेंस रखूं, पर मैं मेरे ट्यूटर्स को उतने पैसे क्यों दूं. और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरे को सबसे बुरी चीज क्या लगती है पता है कॉलेजेस की, वो लोग टीचर से पेपर वर्क का काम कर रहे. आई हेट दैट थिंग कि उनको पढ़ाने का काम भी है, तुम्हें ये पेपर वर्क का भी काम करना है. कौन करेगा वरना तुम्हारे अलावा, तुम्हें तो करना है. विच इज नॉट रिलेटेड टू अ टीचिंग स्टाफ. मेरे को इतना बुरा लगता है वो चीज जो ये लोग ये करते हैं कि एक टीचर का जॉब क्या होता है, उसको पढ़ाने दो सिर्फ. मैं क्यों नहीं गया पता है एज ए टीचर, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को लिमिटेड नहीं होना था. मेरे को किसी के लिमिटेड नहीं होना, मैं इंटरनेट पे हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दूसरी चीज मेरे को सिर्फ ये करना है, मेरे को वीडियोस में मेरे को काम है पढ़ाना, मैं दूसरी पेपर वर्क वाला काम नहीं करना है मेरे को. तो सबसे पहली चीज दे रन एजुकेशन सिस्टम फॉर मनी. सेकेंडली दे डोंट अपॉइंट, दे डोंट, वो लोग है ना अच्छे पैसे नहीं देते, उतने अच्छे पैसे नहीं देते और अच्छे टीचर्स अपॉइंट नहीं करते. एक आध अच्छे टीचर्स होते हैं ना, उनको भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते अकॉर्डिंग जो मैंने रियल लाइफ में देखा है, इतना अप्रिशिएट नहीं करते. और क्या है कि जो अभी जो है, अभी बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन वाले ही ज्यादा पैसे करके ले लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वो नहीं कर रहा है, इसलिए सब ऑनलाइन स्विच हो रहे. सो दिस इज द थिंग, द गैप. और दे आर फोकसिंग अलॉट ऑन द थियोरिटिकल पार्ट. कॉलेजेस क्या है, कॉलेज में जाने के क्यों मजा नहीं आता, क्योंकि वो लोग रूल्स रेगुलेशन तो जरूरी है, मैं टोटली अग्री करता हूँ कि तुम रूल्स रेगुलेशन सिखाओ, बट तुम 90% उस पर फोकस करते हो, 10% फोकस करते हो बच्चों की स्किल्स पे. सो दैट्स नॉट गोना वर्क आउट ना मैन. That's why last moment tuitions exist. अगर वहां पे चीजें अच्छी होती तो मैं खुद मेरा कई अच्छी जगह जॉब करता होता. मैं ये चीज मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी जो कॉलेज सिस्टम है वो नहीं काम कर अच्छा कर रहा. अच्छा तो ये तो रॉबिन हुड जैसे लोग आ रहे हैं. That's why these people are coming, because they have the power के हाँ हम कॉन्ट्रीब्यूट करके इस चीजों को ईजी कर पाएंगे. तो यही चीज है, सबसे पहले they are earning from book. पैसों के लिए बहुत बहुत लोग पैसों के लिए करते हैं, बहुत लोग अच्छे ट्यूटर्स ये ट्यूटर्स को नहीं लाते हैं, और जो अच्छे ट्यूटर्स हैं उनसे भी पेपर वर्क का काम कराया जा रहा है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद. Yes, I too believe, I guess the same, I believe the same thing. So Sumer, I want to ask you one more thing. Like now, as now internet is getting like very popular in India, almost like everyone is online. And now I guess from this month Jio Fiber is coming. So like our whole event is about encouraging people to get started online, either by blogging, digital marketing, social media, YouTube. So what do you think? Like, is this the right time for people to come online and like start earning money or do whatever they want to do online? Is this the right time? This is the only time. Agar tum abhi nahi karoge, tum फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ, पता है तुम लोग सोच रहे हो मैं नौकरी कर लूँ, समझ रहे हो क्या? अभी सबसे पहले जैसे इंटरनेट आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अगर तुम अपनी स्किल्स बाहर नहीं दिखा पा रहे हो, तुम इंटरनेट पे नहीं आ पा रहे हो, एंड आई एम नॉट टेकिंग ओनली क्रिएट वीडियोस, आई एम नॉट द पर्सन हु टेल ओनली क्रिएट वीडियोस, नो नॉट एट ऑल, बट पुट कंटेंट एज मच एज यू कैन. इफ यू नॉट एबल टू क्रिएट वीडियोस, जस्ट इंस्टॉल द ऐप व्हिच हुज नेम इज एंकर, वहां पे अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, टेल स्टोरी, टेल स्टैंड अप कॉमेडी, टेल मोटिवेशन, डू एनीथिंग. यू आर नॉट, तुम चेहरे पे नहीं दिख रहे, तुम पॉडकास्ट पे आ रहे हो. वो ऐप क्या करता है, ऐप हर जगह फैला देता है. वो आपको हर एक गूगल पॉडकास्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, स्पॉटिफाई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये ऐप क्या करेगा, ये ऐप ये हर जगह तुम्हारा डाल देगा. तुम्हें सिर्फ इसमें रिकॉर्ड करना है, तो तुम्हें सामने आके जरूरत नहीं है. उसके अलावा क्या, मेरे को बोलने भी नहीं आता, मेरे को चेहरा भी नहीं दिखाने आता. राइट समथिंग, राइट योर आंसर्स इन फोरम, राइट योर ओन ब्लॉग्स. क्यों मैं कह रहा हूँ पता है, ये मोमेंट पे अगर तुम भीड़ चाल वाला काम करोगे, दुकान पे जाओगे, दुकान पे तुम शॉप खोलोगे, शॉप कितने दिन चलने वाली है, मैं सब ऑनलाइन आ रहा है. जो तुम अपनी दुकान पे, क्योंकि दुकान पे कैसा सामान आता है, दुकान पे फैक्ट्री से निकलेगा, फैक्ट्री से सप्लायर पे, सप्लायर के बाद सब सप्लायर ब्ला 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 करके तुम्हारी दुकान पे आ रहा है. ऑनलाइन क्या कर रहा है पता है, वो बंदा डायरेक्ट फैक्ट्री से उठा के तुम्हें दे रहा है, उसको तो बहुत सस्ता पड़ रहा है. तुम कैसे चलाएगा अपनी दुकान, आज चला लेगा, 5 साल बाद क्या चलाएगा? जो तूने 5 साल मेहनत की तेरी दुकान को जमाने में, वो डेड हो गई. कितनी बड़ी बड़ी दुकानें जो सक्सेसफुल थी ना, वो सब डेड हो रही है. लोग आपको सबसे पहले तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है. बहुत लोग है ना, मतलब गांव से निकल के क्या करते पता है, दुकानों में नौकरी पे लग जाते हैं. वो सब दुकान जॉब बंद होने वाली है भाई तुम्हारी. सबसे पहली चीज ऑनलाइन तुम्हें आना ही होगा, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर. तुम्हें ऑनलाइन अपना सामान बेचना होगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि
ठीक है, अमेजोन पे मैं एक मेंबर कैसे बन सकता हूँ? अगर मैं खुद का वेबसाइट नहीं खोल रहा हूँ तो मैं अमेजोन पे मेंबर कैसे बन सकता हूँ? मैं खुद का यूट्यूब चैनल नहीं खोल रहा तो मैं कैसे दूसरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, अगर मेरे को पढ़ाना है तो मैं आप अपने वीडियो डाल सकता हूँ? मैं कैसे ऑनलाइन के कनेक्ट हो सकता हूँ? मैं कैसे ही कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ जिससे मैं अपना फ्रीलांसिंग कर पाऊँ आपको क्या दूसरे पे? कैसे मैं इंस्टाग्राम पे खुद की ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ ताकि मैं दूसरे लोगों को भी हेल्प करूँ, दूसरे लोगों की चीजें सेल करूँ? ये सब आपको सीखना पड़ेगा, कैसे मैं अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एक मोमेंट में सारी दुकानें बंद हो जाएगी जो आप जॉब्स कर रहे हो ना। देखो, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जॉब्स में आपको सेम टाइप का काम 10 लोगों को दिया जाता है। अगर एक टाइप का काम 10 लोग कर पा रहे हैं तो वो मशीन भी कर पाएगी, सिंपल है। यहाँ पे जो सुमेर वीडियो बना पा रहा है वो सिर्फ सुमेर बड़ा बना पा रहा है, जो एक तीसरा बंदा बना पा रहा है वो तीसरा बंदा बना रहा है। जो आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी से जो चीज लिख रहे हो, अपना यूनिकनेस जो दुनिया को दिखा रहे हो, वो कोई और नहीं दिखा पाएगा, सिंपल है। तो सिक्योर भी कौन सा है, एक जॉब जो सबको लग रहा था नौकरी अच्छी है अगले 5 से 10 साल बाद, या फिर ये जो अभी तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो डरावनी चीज है, नहीं होगा कुछ नहीं, दिस इज द सिक्योर वे। आपको अपनी यूनिक स्किल्स पता करके उस पर काम करके आपको अपना कंटेंट बाहर देना ही होगा, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर। जब से जियो गीगा फाइबर आ जाएगा ना भाई, तब तो मतलब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है क्या होने वाला है। उस लोग बोल रहे कि रेसिज्म आ रहा है, नौकरियां खत्म हो रही, नौकरियां नहीं खत्म हो रही, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आप देख नहीं पा रहे हो। इंटरनेट आया, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी देखा, मैं रोज के 20-30 हजार लोगों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन के थ्रू, मेरे वीडियो से वो लोग पढ़ रहे। क्या ऑनलाइन बुरा है? नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। लोग अपने घर पे दुनिया का बेस्ट एजुकेशन पा पा रहे हैं, उनको हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। रिगार्डिंग दैट थिंग, सो ऑनलाइन इज कमिंग, वो तो आएगा, तुम कितना उसको अडॉप्ट कर पा रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। और अगर इसके लिए अगर आप तुम्हें और किसी को सुनना चाहते हो सो और अगर आपको लग रहा है कि, तो गैरी भी करके एक बंदा है उसको फॉलो करो। मतलब ये जो माइंड सेट है ना, ये वहां से भी बहुत अच्छे से आया है, उसको सुनो मैन, और अपना ऑनलाइन क्रिएट कंटेंट करो मैन। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि यार के ये तो मेरे सामने हो गया और मैंने कुछ किया ही नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ट्राई करो फेल हो जाओ यू विल बी सक्सेसफुल, दैट्स द पाथ ऑफ द सक्सेस। आई होप दिस आंसर वाज हेल्पफुल। Yeah, just really helpful actually. So Sumer, like before ending, I would like to ask you one, like two more questions actually. So first question is, sure. like now you are doing really great with your startup, but like everyone makes mistake when they start in their early phases. So if you can go back to 2-3 years and if you could advise something to yourself, what would be your top two advice to yourself? Mistake, actually, I don't say that what you do is not a mistake, it's the lesson. So if I want to tell, there's okay, agar do advice mereko deni hai, तो ना मैंने अपना बहुत टाइम सबसे पहले वेस्ट कर दिया डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जब मेरे को लोगों ने मना किया और किसी ने ये बोल दिया कि नहीं मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, तो उस मोमेंट में ना मैं डिसअपॉइंट हो गया था, खुद को बहुत बुरा फील करता था, खुद को ऐसे विक्टिम फील करता था। तो वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये नॉर्मल है, रिजेक्शन इज नॉर्मल, ये मेरे को नहीं पता था। तो वो एक एडवाइस देना चाहता हूँ। दूसरी एडवाइस है कि मतलब दूसरी तो कुछ नहीं यार, अपने मन की, मैंने हर हमेशा ना मैंने अपने ही सुनी है, मतलब मैं तो ऐसा के अरे ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तो करते गया हूँ, जो मेरा मन किया ना मैंने उस हर चीज में अपना 100% दिया है। तो ये एडवाइस मैं दूसरों को देना चाहता हूँ कि जो मन कर रहा है वो करो, सबसे पहले जस्ट डू व्हाट योर हार्ट इज सेइंग टू यू, मतलब ऐसा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि लोग आपको छोड़ के जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, को बोलेंगे हम साथ में करते हैं, सडनली वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, दैट्स नॉर्मल। तो वहाँ पे मैं टूट गया था एक टाइम पे, कि मेरा पार्टनर था एक, हम लोग साथ में कर रहे थे ऑफिस, और उसकी पता नहीं कुछ रीजंस थे, ही डिडंट टेल मी आल्सो, और वो अचानक छोड़ दी। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेला पूरा ऑफिस कर दूँ यार, मतलब ऑफिस करने के लिए पैसे भी चाहिए थे और वो नहीं था मेरे पास, हिम्मत ही नहीं हुई यार, मतलब कि, बट मैंने किया। मैं वो इंसानों के बहुत डरता हूँ बहुत चीज़ों से, हो रही कि मैं बहुत डरता हूँ, मैं रोज के डे टू डे एक्शन से भी किसी किसी चीज़ों से मेरे को डर लगता है। अगर कुछ गवर्नमेंट का काम आ जाए, कंपनी रजिस्ट्रेशन 6 महीने का प्रोसेस था, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने किया। सो
पीपल विल लीव यू इन दिस प्रोसेस, पीपल विल कम यू ज्वाइन यू दे विल लीव यू, पर हर रिश्ते की उम्र होती है, जाकिर खान कहता है। सो आपको नहीं रुकना है, आपको नहीं रुकना, आपको चलते जाना। सो लोग आपको छोड़ेंगे तो वहां पर डिसअपॉइंट मत हो जाना, चलते रहना। रिजेक्शन होंगे तो नॉर्मल है, चलते रहना बस। बिकॉज टूडे इज वर्स्ट, टूडे इज बैड, टुमारो विल बी वर्स्ट, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी द बेस्ट, जैक मा का कोट है। और अच्छे लोगों को सुनते रहो मैम, टेक द इनपुट, वहां से आप जो आउटपुट दोगे वो रहेगा, जो आप अपने अंदर ले रहे हो वैसे आप बन रहे हो। तो किन को आप सुनते हो बहुत मैटर करता है। और अगर आपके आजू बाजू अच्छे लोग नहीं है जो आपको अच्छा नहीं सुना रहे, तो उनको सुनना बंद कर दो मैम, ईयरबड्स लगा दो, इग्नोर कर दो। इग्नोर करना मतलब अगर आपके फैमिली मेंबर्स है तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दो। और अपने आपको जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या पता उनकी वीडियोस अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनको सुनना शुरू कर दो मैम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई कैन से द नेम्स, जैक मा को सुनो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जैक मा हो गया, एलन मस्क हो गया, गैरी वी हो गया, गैरी वी इज द फर्स्ट पर्सन को मैं रिकमेंड करूंगा, और संदीप महेश्वरी हो गया, क्योंकि वो इंसान ज्यादा नौकरी के लिए बोलता भी नहीं है, बोलता बिजनेस करो, लाइफ में सेट है, क्या किसी के लिए काम करना। बट इट्स नॉट ईजी, बट इट्स नॉट दैट हार्ड, इफ यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन डू इट, दैट्स इट। सो दिस इज द एडवाइस। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? Yes, so Sumer, this is the last question that I'll ask you. So what are your future plans with LMT, and if you have any other projects in your mind? I'm currently working on three startups. So first is Last Moment Tuitions. This is my, the default hota hai na ke main prototype is Last Moment Tuitions only. So here my future plan is ki main zyada se zyada, kyunki har college mein bahut acche acche educators hote hai, bahut sare Sumer hai, जो खुद को लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं उनको लास्ट मोटिवेशन पे लाना चाहता हूँ, उन्हें टूल्स प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और लोगों को हेल्प कर पाए। सो इन फ्यूचर देयर विल बी अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स टू लास्ट मोटिवेशन, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, इवन इन अदर फील्ड। आई वॉन्ट टू ब्रिंग प्रैक्टिकल कोर्सेज, क्योंकि मेरे को भी पता है कि मैं थियोरी पढ़ा रहा हूँ, मैं लोगों के सिर्फ एग्जाम्स क्लियर कर पा रहा हूँ, दो मैं उनको अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, बट मेरे को एक गैप फिल करना है, क्योंकि ये आपका इंजीनियरिंग है, ये कंपनी है। So there is a lot of gap in this. So इसको fill करने के लिए मैं professionals के पास जाना चाहता हूँ, उनसे knowledge लेना चाहता हूँ, और उस knowledge को easy convert करके अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और उनको believe कराना चाहता हूँ कि तुम कर सकते हो, it's really easy, और उस easy उतने easy करके उनको सब सिखाना चाहता हूँ। Professional courses, it can be machine learning, Python programming, digital marketing. So those courses, and I have to bring those people to the platform of Last Moment Tuitions. So this is a plan of this. Yeah, a part of this, I'm working on two startups. So, जो मैं अपने Saturday Sundays में अगर आप कुछ करते हो ना, तो मैं Monday to Friday ये काम करता हूँ, Saturday में मैं Saturday Sunday या फिर मेरे को जब भी मेरा personal time मिलता है, तो I'm working on Machao. Machao is a startup. Machao is a startup जहाँ पे मेरा क्या motive है कि मेरे को school time पे बहुत बुली किया जाता था, तो और मेरे पास कोई skill नहीं थी कि जिससे मेरे को इज्जत दी जाए, I was a noob guy. तो जैसे मैंने hip hop सीखा, जब मैंने dance सीखा, तो I was getting appreciated. मेरे अंदर थोड़ा स्टाइल आया, मेरे अंदर स्वैग आया, मेरे को लोगों से बात करना आया, ढंग सीखा मैंने, और मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता था बिकॉज ऑफ रैप सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। सो मेरे को मेरी कहानी बतानी आई, और मैं चाहता, और मैं नॉर्मल बंदा था, मैं कोई बॉर्न विद टैलेंट बंदा नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि आउट ऑफ 100 देयर आर 5 to 6 पीपल जो उनको पहले से वो टैलेंटेड है, बट माई मेन इनिशिएटिव इज की उन 90 लोगों का क्या। तो मेरा क्या काम है कि मैं उन 90 लोगों के लिए, कैन यू हियर मी, हाँ, मेरा क्या काम है कि उन 90 लोगों तक मैं हिप हॉप के स्किल्स प्रोवाइड कर सका, जिससे वो लोग खुद को एक्सप्लोर कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए कि मैंने बीट बॉक्सिंग से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे बनाए हैं, सून आई विल बी ब्रिंगिंग गुड अमाउंट ऑफ पीपल, ताकि वो लोग, उनको मैं भी सिखा सकूँ कि तुम रैप कैसे कर सकते हो, तुम ग्राफिटी आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो, कैसे डीजेइंग कर सकते हो। तो मैं जो स्किल्स, जो हॉबीज के लिए लोग कोई नहीं सिखाता, तो वैसे हॉबीज रिलेटेड चीजें मैं लाना चाहता हूँ अपने मचाओ के प्लेटफॉर्म पे, इन फ्यूचर दैट कैन बी अ स्टार्टअप। थर्ड है मेरा सोशल किताब, जो आप कर रहे हो, मेकिंग अवेयर अबाउट द इंटरनेट एंड टेलिंग द होल वर्ल्ड दैट भाई ये चीज है जो दुनिया बदल देगी। या पता, जैक मा ने 2-3 साल पहले कहा था इंटरनेट विल चेंज द वर्ल्ड, किसी ने नहीं माना, बिलीव ही नहीं किया, उसने देखा, उसने अलीबाबा खड़ा कर दिया, मैंने उसको सुना, मैंने लास्ट मोटिवेशन खड़ा कर दिया, क्योंकि तब मैं उस इंसान को सुन रहा था। तो इंटरनेट दुनिया बदल रही है हर चीज, कल तक आपको दूध भी आपके घर पे आएगा, तो आप उसको कैसे अडाप्ट कर रहे हो, क्या सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हो, हाँ ये लाओ हम देखेंगे, या आप क्रिएट कर रहे हो। यू आर द पीपल, को दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है गरबा में नाचते लोग, और एक होते हैं जो गरबा देखने आते हैं।
एक होती है ऑडियंस जो देखती है और एक होती है जो ऑडियंस स्टेज पे परफॉर्म करती है. आई एम द पर्सन हु लाइक्स टू परफॉर्म. तो तुम कौन से टाइप का बनना चाहते हो? और ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्ड है. अ पर्सन लाइक मी जिसको 5 KD थी अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, एक पर्सन लाइक जो नूब था, जिसको कोई टैलेंट नहीं था, कोई स्किल नहीं था, और आज भी मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है उसको पढ़ने को. इफ आई कैन डू दैट एंड एनीबॉडी कैन डू. सो द थर्ड स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट दैट. हाउ यू कैन ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हाउ यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब, एंड फ्यूचर वीडियोस विल बी हाउ यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ऑल दोस थिंग्स अबाउट इंटरनेट. उसका नाम है सोशल किताब. तो अभी वो एक यूट्यूब चैनल है, मचाओ भी एक यूट्यूब चैनल है. तो ये दो मेरे पर्सनल स्टार्टअप है, ये मैं अपने पर्सनल टाइम में करता हूँ. तो दिस थिंग्स, थ्री थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन. ये कुछ चीजें हैं जिसके बिलीफ में मैं चल रहा हूँ. ये मेरे सपने है कुछ. दैट्स ग्रेट. वी विल पुट द लिंक ऑफ ऑल योर चैनल्स लाइक बिलो दिस वीडियो एंड आल्सो विद दिस वी कम टू एन एंड. सो बिफोर एंडिंग, on behalf of the entire team of Weblog, I would like to thank you for giving your time. I am sure our participants learned a lot from you, and in fact when we learned a lot from you, and all the best to your in the future. Thank you so much to call me and give me an opportunity to share my point of view to the all the people whoever there is. And just don't give up, man. Engineers can be bhuke nahi marte, and be proud of engineering, man. I am proud of an engineering, a person like this. So thank you so much. So it was great talking to you, bro. And wow, acha laga ki main apna kuch knowledge tumhe de paya, bro. Thank you so much for joining.